ASN24 पल पल की खबर। कोरोना महामारी के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है। संक्रमण के रोकथाम के लिए लॉकडाउन में बस, ट्रेन और हवाई सेवा सभी को बंद रखा गया था, जिसके बाद दूसरे राज्य किसी काम से गए मजदूर, व्यवसायी, विद्यार्थी और जनता वहीं फंस कर रह गए। सरकार ने उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की, लेकिन आवागमन के लिए सभी सेवाएं बंद होने से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ रही थी। देश की लाइफ लाइन कही जाने वाली ट्रेन के पहिए भी थम गए थे, जिसके चलने से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती थी। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए सरकार ने घरेलू हवाई सेवा को लागू करने के बाद कुछ शर्तों के साथ आज से रेल सेवा बहाल कर दी है, जिसके बाद लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की अनुमति मिल गई। रायगढ़ में भी पिछले कई महीनों से दूसरे राज्य से आए लोग फंसे हुए थे। कुछ स्थानीय व्यवसायी और शहरवासी भी जरूरी काम के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते हैं, जो लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे रायगढ़ से दूसरे राज्यों के लिए आ जा सके। ऐसे में जैसे ही आज ट्रेन की बहाली हुई, सुबह सुबह रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर लोग जनशताब्दी एक्सप्रेस से अपने अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए पहुंचने लगे। रेलवे स्टेशन पहुंचे कुछ लोग सफर नहीं कर पाए, उल्टा उनको वापस घर भेज दिया गया, क्योंकि नई गाइडलाइंस के अनुसार ट्रेन में बैठने से पहले यात्रियों का स्क्रीनिंग किया जाना है, उनकी पूरी डिटेल लेनी है। उसके बाद यह तय करना है कि यात्री ने प्रॉपर रूप से मास्क लगाया है या नहीं, साथ ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। इन नियमों को चेक करने में तकरीबन आधा से एक घंटे लगते हैं, जिसको देखते हुए रेलवे ने समय निर्धारण कर पूरी तरह से ध्यान रखते हुए यात्रियों को एक घंटा पहले आने को कहा था। बावजूद ही रायगढ़ रेलवे स्टेशन में कुछ यात्री लेट से पहुंचे, जिनका स्क्रीनिंग नहीं किया जा सका, तो कुछ बिना मास्क लगाए ही पहुंच गए, जिन्हें रेलवे स्टेशन से वापस भेज दिया गया। उसके बाद रेलवे द्वारा तय मानकों का पालन करने वाले 133 यात्रियों को लेकर जनशताब्दी एक्सप्रेस सुबह 6:20 पर रायगढ़ से व्याया रायपुर होते हुए गोंदिया के लिए निकली। KSN 24 न्यूज़ के लिए रायगढ़ से बंशी निराला की रिपोर्ट।